लेकिन अगर इन खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिला तो कल यहाँ पे 10,000 लोग होंगे, फिर 1,00,000 लोग होंगे, फिर 10,00,000 लोग होंगे, आपके अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई लड़ती चलती रहेगी। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पे मैं और आतिशी यहाँ पे हमारे देश के उन पहलवानों के पास जो हमारी महिला खिलाड़ी यहाँ पे 23 तारीख से धरना दे रही हैं उनके समर्थन में आए हैं। और ये बहुत दुख की बात है, शर्म की बात है कि जिन खिलाड़ियों ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस देश के तिरंगे को ऊपर लहराने में लगाई है और पूरा जीवन जिन्होंने इस खेल में लगा दिया, देश का नाम ऊंचा किया, आज अपने ही कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष के यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक FIR दर्ज कराने के लिए उनको जो है धरना देना पड़ रहा है। देश का कानून है कि अगर कोई महिला शिकायत कर दे तो तुरंत पुलिस को मुकदमा दर्ज करना ही देश का कानून है और आज इन खिलाड़ियों को जंतर मंतर में बैठना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन डालनी पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि देश की जो केंद्र की सरकार है वो आज बलात्कारियों के साथ और यौन उत्पीड़न करने वालों के साथ खड़ी हो गई है और ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। देखिए, इससे ज़्यादा शर्मनाक इस देश के लिए क्या हो सकता है कि जो खिलाड़ी देश का नाम रोशन करती हैं, जो देश के लिए मेडल लेके आती हैं, आज उन्हें अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पे बैठना पड़ रहा है। आज आपसे और हमसे यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इतनी गर्मी है यहाँ पर। वो खिलाड़ी जिनकी मेहनत की वजह से भारत को इंटरनेशनल स्टेज पे मेडल मिलते हैं, आज एक FIR के लिए सड़क पे बैठी हुई हैं। केंद्र की सरकार को, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी को शर्म आनी चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो बयान देते हैं कि वो अनडिसिप्लिन्ड है। मैं अनुराग ठाकुर जी को चैलेंज करती हूँ कि जितना ट्रेनिंग, जितनी मेहनत ये खिलाड़ी करती हैं, एक हफ्ते तक अनुराग ठाकुर जी करके दिखाएं, मैं चैलेंज करती हूँ उन्हें। और कहते हैं वो अनडिसिप्लिन्ड है। मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहूँगी, बलात्कारियों के साथ खड़ा होना बंद करिए, यौन शोषणकारियों के साथ खड़ा होना बंद करिए। ये वही सरकार है जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज इस देश को गौरव लाने वाली बेटियां, मेडल लाने वाली बेटियां अगर सड़क पे हैं, इससे ज्यादा शर्मसार कुछ नहीं है। एक नया आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की आवाज को बढ़ाने के लिए 8 मिनट को तोड़ा जा रहा है, नया आरोप लगा। अरविंद जी आएंगे, आएंगे आएंगे, कल आएंगे, कल आएंगे, कल आएंगे।